नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन को देखेंगे। जैसा कि आप अपने वीडियो स्क्रीन पर एक भर्ती का नया नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा जारी किया गया है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये वैकेंसीज़ का जो नया नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, इसको जारी कर दिया गया है और इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 5/2022 DR। इसी भर्ती के नोटिफिकेशन में डिफरेंट अलग अलग स्टेशंस के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। किस प्रकार से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और कौन से पोस्टल एड्रेस पर आपने एड्रेस के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हेड क्वार्टर मेंटेनेंस कमांड इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसीज़, जिसके लिए पोस्टल एड्रेस आपके ये दिए गए हैं। ये आपके पोस्टल एड्रेस हैं अलग अलग स्टेशंस के, और इसके सामने पोस्ट की डिटेल दी गई है। जैसे सपोज करो एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो कुक की वैकेंसी हैं 2 वैकेंसी। इसी प्रकार आप इसको नोट कर सकते हैं अलग अलग स्टेशन की कौन कौन सी वैकेंसी है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर आप बड़े अक्षरों में अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सबसे पहले चकेरी कानपुर में जो वैकेंसी हैं कुक की 2 वैकेंसी हैं। अगला स्टेशन है BRD एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर में ही AC मैकेनिक की 1 वैकेंसी है। एयरफोर्स स्टेशन BRD चंडीगढ़ में कुक की 1 वैकेंसी है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में मेस स्टाफ की 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार तुगलकाबाद BRD न्यू दिल्ली के अंदर कारपेंटर स्किल्ड की 1 वैकेंसी है। नजफगढ़ न्यू दिल्ली एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर स्टेनोग्राफर Grade 2 की 1 वैकेंसी है। मनोरी अलाहाबाद एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर MTS की 2 वैकेंसी है। कानपुर में MTS की 2 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार एयरफोर्स स्टेशन गुड़गांव हरियाणा में स्टोर कीपर की 1 ही वैकेंसी है। इसी प्रकार एयरफोर्स हॉस्पिटल कैंटोनमेंट कानपुर में MTS की 1 वैकेंसी है। अब आप देख लें इन सभी जो वैकेंसीज आपने देखी हैं, ये डिटेल्स की वैकेंसी हैं। आपने यदि कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, तो आपने इस स्टेशन का जो है ये एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। एड्रेस में आप लिखेंगे एयर ऑफिसर कमांडिंग AOC एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर। इसी एड्रेस के ऊपर आपने अपने अपने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्टेशन पर ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। आप देख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपने केवल ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आप भेज पाएंगे, अन्य कोई माध्यम नहीं है। यदि आप स्पीड पोस्ट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं या रजिस्टर्ड डाक से भेजते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द होने की भी संभावना रहेगी। अब आगे देखते हैं हेड क्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड की वैकेंसीज़ कितनी हैं। हेड क्वार्टर एयर कमांड की जो वैकेंसी हैं उसके अंतर्गत एयरफोर्स स्टेशन अम्बाड़ा के लिए LDC की 1 वैकेंसी है और CMTD यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी है 1। इसी प्रकार एयरफोर्स स्टेशन ये देहरादून 1 वैकेंसी है ड्राइवर की। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में कुक की 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार नल बीकानेर एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर CMTD ड्राइवर की 1 वैकेंसी है। कसौली एयरफोर्स स्टेशन में, कसौली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ 2 वैकेंसी हैं। इससे पहले भी ये वैकेंसी जो कुक की वैकेंसी है कसौली एयरफोर्स स्टेशन पर एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन वहाँ कोई कैंडिडेट न पहुँचने की वजह से दोबारा एडवर्टाइज हुई है 2 वैकेंसी। एयरफोर्स स्टेशन बसंत नगर न्यू दिल्ली में कुक की 1 वैकेंसी है। इन वैकेंसीज़ के लिए भी जो ये वैकेंसीज़ आप देख रहे हैं LDC CMTD और कुक की वैकेंसी हैं, इनके लिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन जो ये पते आपको दिखाई पड़ रहे होंगे ABC पॉइंट के ऊपर, आपने जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसी पोस्ट के अगेंस्ट आप अप्लाई करने के लिए उसी स्टेशन के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। जैसे सपोज करो आपने LDC के लिए अप्लाई करना है, तो आपने जो ये पता दिया गया है एयरफोर्स एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अम्बाड़ा कैंट हरियाणा, इस पते के ऊपर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑर्डिनरी पोस्ट से आपने भेजना है, स्पीड पोस्ट से नहीं भेजना, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजना है, वो इस एडवर्टाइजमेंट में आगे दिया हुआ आपको मिल जाएगा। आप देख लेते हैं आगे इंस्ट्रक्शंस किस प्रकार से हैं। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट की बात करें तो आपको 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ऊपरी आयु सीमा में OBC को 3 वर्ष की, SC ST को 5 वर्ष की, हैंडीकैप्ड कैटेगरी को 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, जो भी भारत सरकार के नियम लेटेस्ट नियम है उसके मुताबिक। और यदि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं कोई,
पहले से गवर्नमेंट सेवा में और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जनरल श्रेणी के लिए 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, एससी एसटी के 45 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जो पहले से गवर्नमेंट सेवा में है उन्हें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कहा जाता है। अब देख लेते हैं प्रत्येक पद के लिए क्वालिफिकेशन किस प्रकार से रहेगी। एसी मैकेनिक की बात करें लेवल 2 की वैकेंसियाँ और 10वीं कक्षा के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट कोर्स किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से एयरक्राफ्ट मैकेनिक में यदि आपने कर रखा तो आप एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर की बात करें लेवल 2 की वैकेंसी है, 10वीं कक्षा के साथ साथ आपको आईटीआई कारपेंटर ट्रेड में यदि आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार कुक की बात करते हैं, कुक की वैकेंसी के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो ये लेवल 2 की वैकेंसी है और 10वीं कक्षा के साथ आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कैटरिंग में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएमटीडी की बात करें लेवल 2 की वैकेंसी है, 10वीं कक्षा के साथ आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लाइट और हैवी व्हीकल के आपका पास होगा तो आप सीएमटीडी ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी की बात करें 12वीं कक्षा के साथ साथ आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 35 शब्द और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी होगी तो आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टेनो की जो क्वालिफिकेशन है लेवल 4 की ये वैकेंसी है और 12वीं कक्षा के साथ आपके पास शॉर्ट हैंड का ज्ञान आपको होना चाहिए, शॉर्ट हैंड में आपकी जो स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट आपकी जो शॉर्ट हैंड में स्पीड होनी चाहिए। इसी प्रकार स्टोर कीपर की बात करें लेवल 2 की वैकेंसी है और ये 12वीं कक्षा के साथ साथ आपको डिजायरेबल में एक क्वालिफिकेशन दी गई है जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है हैंडलिंग स्टोर एंड अकाउंट्स में। इसकी जो स्टोर कीपर की जो क्वालिफिकेशन है वो केवल 12वीं है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी स्टोर कीपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार मेस स्टाफ की बात करें लेवल 1 की वैकेंसी है, 10वीं कक्षा इसकी जरूरी योग्यता है, जो वांछनीय योग्यता है डिजायरेबल है यदि आपके पास नहीं है तो भी आप मेस स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस की बात करें यह भी लेवल 1 की वैकेंसी है और 10वीं कक्षा जिसने उत्तीर्ण कर रखी है वो एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं आपने अप्लाई किस प्रकार से करना है और आपका मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार से रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मेस स्टाफ के लिए और एमटीएस के लिए आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन आएंगे। स्टेनो की बात कर रहे हैं इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के आपके पास क्वेश्चन आएंगे और सभी का एक ट्रेड टेस्ट होगा। इसके बाद जो रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, लास्ट डेट आपकी आपको 30 दिन के भीतर अप्लाई करना पड़ेगा। 30 दिन के भीतर बात करें ये वैकेंसी 2 जुलाई के जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हुई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, ठीक है। और 2 जुलाई के हिसाब से यदि 30 दिन काउंट किए जाएं तो अगले महीने की 1 अगस्त से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 अगस्त 2022 से। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आज हम ये वीडियो पब्लिश कर रहे हैं और इसके बाद यानी कि आपने 2 जुलाई से आपने अप्लाई करना शुरू करना है, उससे पहले आप ना करें। अब देख लेते हैं अप्लाई किस प्रकार से करना है। एक एप्लीकेशन फार्म है, उस एप्लीकेशन फार्म के ऊपर आपने ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म के साथ आपने लगाना क्या क्या है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं कंसर्न डॉक्यूमेंट हैं वो केवल साधारण डाक से भेजने हैं, ये ऑर्डनरी थ्रू ऑर्डनरी पोस्ट से आपने भेजने हैं, इस बात का ध्यान रखें। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित या टेक्निकल एजुकेशन से या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी एससी एसटी का आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है उन सभी की कॉपीज़ आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड लगानी है, ठीक है। उसके अलावा आपने और क्या लगाना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने फ़ोटोग्राफ्स आपने अटैच करनी है पासपोर्ट आकार की, उसके अलावा वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और एक आपने सेल्फ एड्रेस का इनवेल्प लगाना है, स्वयं का डाक टिकट लगाकर 10 रुपये की डाक टिकट आपने लगानी है, स्वयं के पता लिखे हुए लिफाफे के, वो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है। आप देख लेते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जिस लिफाफे के अंदर डालकर भेजना है उस लिफाफे के ऊपर आपने सबसे टॉप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे, आपकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर लिखना है लिफाफे के बाहर जिस लिफाफे में आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालकर भेजना है, उस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 5/2022 DR और इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं 21 हैं, जिसमें कुक की वैकेंसी है, सीएमटीडी की वैकेंसी है, एलडीसी की वैकेंसी है, स्टोर कीपर की वैकेंसी है और इसके अलावा जो वैकेंसी है स्टेनो की वैकेंसी है।
इस प्रकार से 21 वैकेंसी हैं। इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो आपने एड्रेस है, एड्रेस भी जो इसके फर्स्ट कॉलम के अंदर इस एडवर्टाइजमेंट पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम पर ही सभी स्टेशन के एड्रेस दिए गए हैं। इन्हीं एड्रेस के ऊपर, इन एड्रेस के सामने जो वैकेंसी लिखी है, उसी वैकेंसी के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी स्टेशन के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। और फॉर्म आपने जो भेजना है वो ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस प्रकार के नए नए जॉब के नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।